चलिए आज हम अपने किचन में बनाते हैं ये मटन कोरमा। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है, तो शादी पार्टी और रेस्टोरेंट में तो आप लोगों ने कई बार खाया होगा, लेकिन इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मटन कोरमा अपने घर में बना सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने कढ़ाई को फ्लेम पर रख दिया है और ये देखिए इसमें से मेरे सरसों के तेल हमने इसमें डाला है। कम से कम ये 250 ग्राम सरसों का तेल होगा। इसमें हम अपने अनियन को मीन्स प्याज को फ्राई करेंगे और अब देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब हमारी तेल अच्छी खासी गर्म हो गई है। तो इसमें मैं 300 ग्राम प्याज को फ्राई करूंगी। इस तरह से आप कटे कटे स्लाइसेस में प्याज को काट लीजिए और इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो ये हमने 300 ग्राम प्याज लिया है, 750 ग्राम मटन के लिए आप जितना ही बारीक प्याज काटेंगे आपकी ये अनियन फ्राई बहुत ही अच्छी बनेगी। इसे हमें जलाना नहीं है, हाई फ्लेम पर ही चलाते हुए इसे सिर्फ गोल्डन करके उन्हें निकाल देना है, गोल्डन ब्राउन। देखिए अब हमारी अनियन हल्का हल्का रेडिश हो गई है, हल्का सा इसे और रेडिश करेंगे और बस निकाल देंगे। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बचे हुए अनियन है उसे भी हम तल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे अनियन को फ्राई कर लिया है और इसे आप इस तरह से प्लेट में फैला दीजिए ताकि इसमें थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी और इस तरह से ये ठंडी भी हो जाएगी जल्दी। तो इसको ठंडा करने के बाद हम हल्का सा इसे दरदरा सिर्फ ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा इसे दरदरा करूंगी। देखिए जो ऑयल बचा था इसे हमने इस कढ़ाई में डाल दिया है दूसरे, जिसमें हमको मटन कोरमा बनाना है। आप चाहें तो दूसरे तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही तेल मैं यूज करूंगी जिसमें हमने अपने प्याज को फ्राई किया था और इसमें हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी दो अनियन को जिसे हमने बारीक काट के रखा है। और इसमें अब हम अपने मटन को डाल देंगे। ये हमने मटन को अच्छी तरह से धोकर निकाल लिया है, इसमें पानी आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और चलिए अब मटन को इसमें हम डाल देते हैं। देखिए फ्लेम को हमने एकदम स्लो कर दिया है और इसमें हम डालेंगे ये दो तेज पत्ते, 3 लाल मिर्च और इसमें अब डालेंगे ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए अब सूखे मसालों को ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा। चलिए इसमें मैं 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इससे इसका कलर और देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। सॉल्ट डालेंगे हम अपने स्वाद अनुसार। और अब इसमें सबसे लास्ट में इसमें मैं डालूंगी ये 250 ग्राम दही, तो आप दही को इसमें इस तरह से मिला दीजिए। और अब इन सारी चीजों को मिलाकर इसे हम ढककर स्लो फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। चलिए इन सारी चीजों को हम आपस में मिला लेते हैं। चलिए इसे ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देते हैं। तो चलिए जब तक हमारी मटन पक रही है इसे हम दरदरा हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। और इसे ग्राइंड करने के बाद अब आप ये हमने इसमें 12 काजू और 12 बादाम लिया है, इसे भी हम पेस्ट बना लेंगे। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 1 चम्मच जीरा है, 1 स्टार है, 1 बड़ी इलायची, 6-7 छोटी इलायची हरी वाली, 2 दालचीनी की स्टिक, 8 से 10 लौंग, थोड़ी सी
थोड़ी सी जावित्री और एक टुकड़ा जायफल का। बहुत अधिक टुकड़ा आप जायफल का नहीं लीजिएगा, सिर्फ छोटा सा हम टुकड़ा लिए हैं। और इसे भी हम इस गरम मसाले का भी हम या तो फाइन पाउडर बना लेंगे या इसे आप पेस्ट बना लीजिए। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपने मटन को चेक करते हैं। देखिए इसमें मटन हमारी कम से कम आधी तो पक चुकी है। इसे आप इस तरह से अच्छी तरह से चला लीजिए और अब इसमें हम डालेंगे ये हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट बना के रखा है इसे हम डालेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ये 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। और इसमें अब हमने जो अनियन को ग्राइंड करके लिया है, देखिए इस तरह से हमने अनियन को दरदरा ग्राइंड किया है, इसे भी हम डाल देंगे इसमें। चलिए अब इसमें हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसे अब हम अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे। इसी मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम कम से कम 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि इसमें काजू बादाम का पेस्ट और ये अनियन अच्छी तरह से, अनियन तो खैर भुना हुआ है, सारे इसमें और भी मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए 4 से 5 मिनट तक हो चुके हैं इसे हमें भूनते हुए। और अब सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे ये जो हमने गरम मसाला को ग्राइंड करके लिया, देखिए इस तरह से हमने इसे दरदरा ग्राइंड किया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे लगातार चलाते रहिएगा अगर हाई फ्लेम पर रख रहे हैं या मीडियम पर, तो क्योंकि इसमें बादाम और काजू के कारण पेस्ट के कारण इसमें नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इसे जलने नहीं देना है। तो इस वक्त आप इसमें अपने सॉल्ट को चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगती है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला लीजिए और अगर आपकी सॉल्ट सही है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, साइड साइड में देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब इसमें हम अपनी पानी को ऐड करेंगे। इसमें मैं अभी 200 ml पानी डाल रही हूँ, पहले आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए थोड़ी सी पानी मैं और डालूंगी, अभी बहुत ही गाढ़ी है। तो चलिए इसमें हमने कम से कम एक जो जिससे हम ग्लास में पानी पीते हैं घर में, उससे हमने एक गिलास पानी इसमें लगभग डाल दिया। और इसे डालने के बाद अब हम इसे ढककर कम से कम 6 से 7 मिनट तक और पकाएंगे या 10 मिनट तक भी आप इसे रख सकते हैं लो फ्लेम पर। चलिए इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के बाद फिर इसे चेक करेंगे। ये चिकन रहती तो आपकी कब की पक जाती, मटन है इसलिए इसे पकने में थोड़ा समय लगता है। आइए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हम अपने मटन को चेक करते हैं। वाह देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मटन पक चुके हैं। इस समय आप अपने मटन को चेक कर लीजिए, अगर वो अच्छे से नहीं पके हैं तो आप इसे और भी कुछ देर तक 5-6 मिनट तक और भी ढककर इसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक मटन को निकाल कर चेक कर लेती हूँ। आप इस ढंग से मटन को अच्छी तरह से तोड़कर देख लीजिए कि आसानी से टूट रहे कि नहीं, या किसी प्लेट में निकाल कर देख लेते हैं। तो हल्की सी हमारी मटन अभी हल्का सा ये अभी मांस को नहीं छोड़ रही है, तो मैं इसे 5 से 6 मिनट तक और भी ढक कर रखूंगी। तो चलिए इसे फिर से ढक देते हैं। और इसे ढकने से पहले अब सबसे लास्ट में हम इसमें ये केवड़ा जल डालेंगे थोड़ा सा। अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अब मिला लेते हैं अच्छी तरह से इसमें और मिलाकर इसे ढककर हम 6-7 मिनट तक और पका लेंगे। तो देखिए इसे हमने 6-7 मिनट तक और रखा है, अब हमारी मटन बनकर रेडी हो गई है। और चलिए फ्लेम को अब ऑफ करते हैं और इसे सर्व करते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से और सिंपल प्रोसेस से हमारी मटन कोरमा बनकर रेडी भी हो गई। तो अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। ओके टेक केयर एंड बाय।